बिहार के अररिया जिले के टाउन थाना क्षेत्र से पुलिस बल ने एक बीजेपी नेता का शव उनके पड़ोसी के घर से बरामद किया है। घटना की जानकारी जैसे ही लोगों को हुई तो इलाके में हड़कंप मच गया है। संदिग्ध अवस्था में हुई मौत को लेकर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इसके लिए विशेष जांच टीम का गठन किया गया है। पूरा मामला बीते गुरुवार 4 जुलाई की रात का है। पुलिस के मुताबिक गुरुवार देर रात अररिया टाउन थाना के शिवपुरी मोहल्ला वार्ड निवासी एनके गुप्ता के आवास से अररिया जिला के पूर्व बीजेपी उपाध्यक्ष राजीव कुमार झा उर्फ पप्पू झा 55 का शव संदेहास्पद स्थिति में बरामद किया गया। एक अधिकारी ने बताया कि सूचना पर घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की जाँच के लिए विशेष टीम का गठन भी किया गया है। घटना को लेकर FSL की टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच की। अररिया के पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर इस पूरे मामले की जांच के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शव पर किसी प्रकार के घाव के निशान नहीं है, लेकिन मुंह और नाक से खून बह रहा था। बीजेपी कार्य समिति के सदस्य थे राजीव कुमार झा। पुलिस के मुताबिक मौत की वजहों का पता नहीं चल पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही चलेगा। पुलिस प्रथम दृष्टया से इसे हत्या मानकर पूरे मामले की जांच कर रही है। मृतक राजीव कुमार झा उर्फ पप्पू झा फिलहाल बीजेपी कार्य समिति के सदस्य थे। उधर घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। मौत के बाद राजीव कुमार झा की पत्नी बेसुध है। बताया जाता है कि उनके 2 बच्चे हैं, बेटा विदेश में रहता है और एक बेटी हैदराबाद में नौकरी करती है। इस घटना के बाद परिवार के लोगों में शोक का माहौल बना हुआ है।